आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं ऑटोमेटेड रिपोर्ट फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि हमारी एडवांस एक्सेल की फॉर्मेट की क्लासेज हुई है। तो फॉर्मेट की क्लासेज में हम आपको बात करके बताएंगे कि कैसे हम एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। मंथ दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय को जब भी कोई डेटा बन, क्या सर सॉर्टिंग की क्लास हो गई क्या इसके पहले? कल नहीं, सॉर्टिंग की नहीं हुई है सर, सॉर्टिंग इसके बाद। फॉर्मेटिंग हमने पढ़ाया था, पहले फॉर्मेटिंग पे आप लोगों का टेस्ट तो ले लेंगे, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। नेम हो गया, डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डेट डाला, जैसे कि नवंबर का डेट, अक्टूबर का डेट मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे अक्टूबर का डेट डाला हुआ है 10+1। और इसके बाद हम डेट को ड्रैग नहीं करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, राइट सर? +1 किया और आगे की तरफ हम ड्रैग कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि हम एक डेट चेंज करेंगे, बाकी डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसको डिलीट कर दिया हमने। उसके बाद मुझे सैटरडे एंड संडे भी चाहिए, तो हम इसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग का मेथड यहाँ डालेंगे, तो यहाँ पे डे आ जाएगा संडे मंडे, हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाल दिया, राइट। उसके बाद मंथ के लिए भी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। तो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, किसी कॉल आ रहा है। सॉरी सर, तो यहाँ पे एक अक्टूबर डाला, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं MMM/YY कर देता हूँ ताकि मंथ और डेट आ जाए इसकी, ठीक है? अच्छा अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नाम, कुछ एम्प्लॉई कोड या कुछ नाम दे देते हैं सैंपल के लिए। और यहाँ पे एचआर कर देते, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे कि सैटरडे एंड संडे हमारा हाईलाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में, यूज फॉर्मूला। सैटरडे एंड संडे दो है तो मैं यहाँ खाया, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि मैं एक दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊं, कि एक सैटरडे के लिए एक संडे के लिए, या फिर मैं यहीं पे और कमांड यूज करूंगा और ब्रैकेट ओपन किया और हमने बोला ऊपर वाला कि अगर इक्वल टू सैटरडे है कॉमा, अगेन इसको सिलेक्ट किया, बोला इक्वल टू संडे है। इसके बाद फॉर्मेट हम यहां से चूज कर लेते हैं, फील्ड में गए, अपना फॉर्मेट चूज कर लिए। फिर यहां पे मैं नीचे ड्रैग करूंगा, आगे ड्रैग करूंगा तो डी के आगे का डॉलर हटा दूंगा, हट गया सर, एंड ओके करके फॉर्मेट प्रिंटर से मैं अपने पूरे एरिया को पेंट कर देता हूं, ठीक है? ज्यादा हो गया, कम कर देते हैं, हाँ सर 16 तक है ना, हाँ। तो सैटरडे संडे ऑटोमेटिक पेंट हो गया, कलर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ डेट जो है हर महीने के हिसाब से हो, राइट? तो हमारे पास एक ईओ मंथ फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। ईओ मंथ, ये मंथ फॉर्मूला क्या करता है, जिसके अंदर डेट सेलेक्ट के कॉमा जीरो करते हैं तो इस महीने की लास्ट डेट बता देता है। देखिए यहाँ पे बता दिया, तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे लेकिन इस कंडीशन के साथ। तो ऐसा फॉर्मूला का पार्ट है, हम यहां देंगे कि इफ ईओ मंथ और हमने कॉमा
जीरो दिया, अगर वो नहीं नहीं गलत 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 कर दिया हमने, हमें यहाँ देना है इफ इफ, और यहाँ पे बोला कि अगर ए ग्रेटर देन ई ओ मंथ, कोई एक डेट लेते हैं 15-16 तारीख का कोई एक डेट है, तो यहाँ ब्लैंक हो, अदरवाइज इसमें प्लस वन हो। ध्यान से देखिएगा सर, आ गया सर, इसमें एरर आने के चांसेस हैं, तो इसको इस एरर के अंदर में डालना होगा। अब आप बोलेंगे सर ये चीजें तो हमें नहीं पता थी, आपने पढ़ाया नहीं था ये फॉर्मूले वगैरह, तो कहने के मतलब है कि जब आपके पास काम आएगा तो ये देख के नहीं आएगा कि ये फीचर आपको आता है या नहीं आता है, या आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है। प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशन का तरीका ढूंढना पड़ेगा सर, बात समझे? इस सॉल्यूशन का तरीका हम यहां ढूंढ रहे हैं। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो अभी ठीक दिख रहा है। अब जैसे मैं यहां पे फरवरी का डेट डालता हूं, मैं यहां पे फरवरी का डेट डाला, तो देखिए कंडीशन पूरा डेट चेंज हो गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग अपने आप को चेंज कर लिया, कर लिया ना सर। और यहां देखिए 29 फरवरी है, बाकी हाईलाइटेड नहीं हुआ, क्या बोल रहे हैं सर? उसके बाद मैं इसमें यहां पे 2019 करता हूं, 2019 कर दिया तो देखिए 28 तक ही है। समझ में आया सर आपको? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया राशिद जी? नहीं सर, नहीं सर समझ में नहीं आया। देखिए हमें सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर इसमें प्लस वन जो डेट है उस डेट में प्लस वन करने पे अगर वो इस करेंट मंथ की लास्ट डेट से ज्यादा होता है तो हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, बात समझे? नहीं ज्यादा होता है तो प्रिंट करना है। तो लास्ट इस मंथ की लास्ट डेट कैसे पता चलेगा, वो मंथ का फॉर्मूला बताता है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ इस एरर को फिलहाल इग्नोर कीजिए, ठीक है, A6 मतलब कि 28 फरवरी में प्लस वन करने भी क्या आएगा, अगर 2020 है तो 29 फरवरी नहीं है तो 1 मार्च आएगा ना सर? तो ये एक मार्च अगर यो मंथ क्या देगा, यो मंथ 15 फरवरी को लेके इस महीने का लास्ट डेट देगा, क्या देगा लास्ट डेट 28 फरवरी, तो 1 मार्च 28 फरवरी से ज्यादा है ना, तो इसमें यहाँ पे वो ब्लैंक कर देगा, नहीं ज्यादा नहीं है तो ये जो है A6 में 1 ऐड कर देगा, ठीक है? ओके। और फिर से आपने ब्लैंक दिया सर, कॉमा फिर से। अब ब्लैंक देने का मतलब पर्पस क्या है कि इसमें एरर होता है। ओ अच्छा, इफ एरर का हुआ। इस एरर सर ईओ मंथ क्या होता है सर? ईओ मंथ कौन सा? ईओ मंथ जो ईओ मंथ महीने का लास्ट डेट देते हैं। महीने का लास्ट जी, महीने का लास्ट डेट होता है ईओ मंथ, हर महीने जो डेट डालोगे उस डेट के लास्ट उस मंथ की लास्ट डेट दिखाती है। मतलब ये सर ये फार्मूला के बाद अगर 1 मार्च नहीं आएगा ना, अगर आप ड्रैग करोगे वहां आगे जी, हाँ जी, ये क्या करेगा कि क्योंकि ये क्या करेगा कि जो महीना हम डालेंगे उस महीने के लास्ट डेट ही दिखाएगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, समझ गया? अब इसको आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर जब मैं आपको इस फॉर्मूला समझाऊंगा तब आपको इसको बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं फॉर्मेट तो 28 तक कर रहा हूँ, आगे का फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे का फॉर्मेटिंग हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट डालू, यहाँ पे डालूंगा
मैनेज यहाँ पे न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला, हम बोलेंगे कि अगर ऊपर वाली वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करें, फॉर्मेट सेल पे आए, बॉर्डर पे आए और फिर वो बॉर्डर लगाए। ठीक है, ठीक है, देन ओके, देन ओके। और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम ऊपर भी, तीन है ना, 29, 30, 31, तीन कॉलम को यहां डाल देते। एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे हो रही है, ऐसा क्यों हुआ कि फॉर्मेट अप्लाई हो गया, हमने शायद डॉलर साइन नहीं हटाया ना, हमने इसका 6 का डॉलर रहना है और AF का डॉलर हटा देना है। और हमने नॉट इक्वल टू ब्लैंक देना है, इक्वल टू ब्लैंक नहीं सर, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, उल्टा कर दिया ना हमने, अप्लाई, देन ओके। इसके बाद मैं फॉर्मेट प्रिंटर से तीनों पे पेंट कर देता हूँ, और इसको तो मैं डेट, इसको डेट वाला फॉर्मेट लेता हूँ मैं यहाँ से डेट, और इस बार इसको राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और इस पे हम इसमें कस्टम पे दो बार डीबी कर देते हैं ताकि छोटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ, हो गया सर। आप देखिए यहाँ पे इसको भी छोटा कर देता हूँ, इसको भी छोटा, तीनों को भी छोटा। अब मैं यहाँ से, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे मान लीजिए 1 अक्टूबर डालता हूँ, मैं यहाँ पे सितंबर का डेट डालता हूँ, तो इसको बोलते हैं सर ऑटोमेटेड फॉर्मेट, अपने अपना फॉर्मेटिंग, अपना हर चीज अपने आप चेंज हो रहा है, दिख रहा है सर? तो इसको हमने किया, तो इसमें हमने बस ये फॉर्मूला जो था ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लग रहा था कि आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्या है ना सर, ये चीज दिखाना जरूरी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जितनी आपकी नॉलेज है उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज्यादा भी तो पूछा जाएगा। तो ये फाइल मैं आपको भेज दूं? हाँ सर प्लीज भेज। हाँ, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, आप क्या करें इसको रेफरेंस लेते हुए इसको और बेटर करने की कोशिश करें सर। ठीक है, क्या है ईमेल आईडी, क्या है सर? सर SINGHA LA सर नहीं आया, दोबारा बोलेंगे, LA क्या तरीका है सर? नहीं 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 सर, एल सर हटा दो, एल सर एच के बाद ए ए ए, हाँ ए आएगा सर, हाँ अभी एल ए के एच है, एल ए के के एच आई एच आई एच आई, ए नहीं सर, सर आपने ए एच आई दिया, एच आई के ए एन टी ए npa@gmail.com आपका क्या है सर? सर rais.idris rais.idris दो बोले सर, आई आर
आई डी आर आई डी आर आई एस बस एच नहीं है सर, एच नहीं है, लास्ट एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम सेम है ना, एक बार ले लिया था, नेक्स्ट टाइम मुझे लेने की जरूरत पड़ेगी, आ जाएगा अपने आप। भेज दिया सर, ठीक है ठीक। अब इसको एक चीज अपने हिसाब से देख लीजिए,